हेलो एवरीवन, ये आपका चौथा दिन है और ये चौथा से पेपर है आरआरबी एलपी सीबीटी वन का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका हो जाएगा मैथ रीजनिंग और जीके जीएस भी हो जाएंगे। तो सारे के सारे इन पेपर में देखेंगे, और ये आपका ऑफिशियल पेपर है 10 अगस्त 2018 का शिफ्ट फर्स्ट है। तो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था और इसका एक अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैथ का, रीजनिंग का और कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी होंगे इन सब के लिए। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे और देखिए आगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ओके, इसको मिटा दें। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है। साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5 और 4 है में है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाता है, तो सतीश की वर्तमान आयु क्या होगी? या तो आप इसे तरीके से निकालें या शॉर्टकट निकालें, जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या है, शॉर्टकट हम बता दें। शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, साई और सतीश। शॉर्टकट से आपका होगा कि शॉर्टकट क्या मतलब कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो साई और सतीश यहाँ पर है, दो दो लोग हैं साई और सतीश। 1 मिनट, देखिए इसमें कैसे शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5:4 दिया है साई और सतीश का, और पूछ रहा है यहाँ पर किसका, सतीश का। सतीश का वर्तमान में रेशियो में कितना है, 4। तो यहाँ पर देखेंगे 4 का मल्टीपल कोई ऑप्शन है क्या, तो ये तो नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ भी 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। तो एक तो ये तरीका रहा कि आप डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से ये रेशियो देख कर बना सकते थे, या फिर आप तरीके से बना सकते हैं। जैसे चलिए तरीके से इसको करते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो होंगे जो बिल्कुल मतलब कि थोड़ा वीक होंगे, तो उनके लिए, हालांकि जो जानते हैं वो थोड़ा स्किप करके आगे निकल जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो वर्तमान आयु किसका, साई साई और सतीश, शॉर्टकट मान लेते हैं एस वाई से साई, एस टी से सतीश, ओके। और इसका दिया है 5:4, ओके। फिर यहाँ पर 3 साल बाद जो है 11:9 हो जाता है। तो इसको करने का एक नया तरीका बता दें, इन दोनों का गैप लीजिए कितना, 1, इसको गुना कर दीजिए, इन दोनों का गैप लीजिए, इसका गैप कितना हो जाएगा, 2, इसको गुना कर दीजिए, ओके। तो यहाँ से एक नया रेशियो बनकर क्या आएगा, 5 2 से इसको भी गुना कीजिए, 5 2 10 और 4 2 8, इससे भी आपका जल्दी ही आएगा। और यहाँ तो 1 से गुना होगा, तो ये 11:9। तो अब दोनों का अंतर देखिए, यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। जो 1 है अंतर, वही 3 साल के बराबर है, जो 1 है अंतर वही 3 साल के बराबर है, ओके। तो यहाँ पर वर्तमान आयु सतीश की ये है 8, तो 1 का मान आपका 8 आया, 3 आया, तो 8 का मान कितना होगा, 8 गुना 3, ये तो 8 3 24, तो आपका ये आंसर 24 हो जाएगा। या तो और भी इससे ज़्यादा बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं, तो इसका और भी बेसिक तरीका हो सकता है, जैसे कि और भी अगर ये नहीं समझे तो और भी एक तरीका है इसका, उससे कर सकते हैं, जो कि आप 9th 10th में जिस तरह से बनाते होंगे
तो ये दो तरीका हो गया। आप बताइएगा इनका कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा। जैसे कहता है कि 37 की आयु और इसका, तो मान लीजिए ये 37। अच्छा साई पहले क्या है, साई मान लेते हैं, ये साई और उसके बाद 37। ओके साई और 37, तो साई की उम्र को हम मान लेते हैं 5x और 37 की उम्र को मान लेते हैं 4x। ओके यहाँ तक समझ पाए। तो कहता है 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात यह हो जाएगा। पहले इनकी आयु का आयु जो था 5x/4x, लेकिन 3 साल दोनों में जोड़ देंगे, 3 साल दोनों में जोड़ देंगे तो नया अनुपात जो बन जाएगा वो 11:9 हो जाएगा। ओके यहाँ तक समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर लूँ। ओके चलिए यहाँ तो यहाँ ठीक है। तो अब 13 को गुना कर दीजिए तो 9 × 5 = 45, x + 9 = 27 बराबर 11 × 4 = 44, x और 11 = 33 + 33 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये इतना हो जाएगा। तो 45x इधर है, 45x इधर है, ये 44x इधर उठा के लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 44x, और इधर 33 है और ये 27 प्लस में, तो इधर उठ के आ जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये x बराबर 45x में 44x चल जाएगा तो x बचेगा, 33 में 26 27 चल जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी x का मान 6 आ गया। तो हमको किसकी उम्र निकाल पूछ रहा है, 37 की वर्तमान आयु, तो हमने 37 की वर्तमान आयु क्या माना है, 4x, तो 4x के जगह पे 6 पुट कीजिए तो 24। ये तीन तरीके से आप इसे कर सकते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। देखिए ओके, तो इसको तीन तरीके से आप कर सकते थे। ये बिल्कुल जो उस तरह के स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल ये रेशियो का जो प्रश्न होता है वो आयु से संबंधित नहीं कर पाते उनके लिए। तो चलिए, हालांकि इस प्रश्न में कुछ नहीं था, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसको क्या कहते हैं, 2 भिन्न का योग 5/6 है और उनमें से एक 3/4 है, तो अन्य भिन्न क्या होंगे, अन्य भिन्न क्या होंगे। मान लीजिए एक तो 3/4 दे दिया है, एक 3/4 दे दिया है, दूसरा हम मान लेते हैं x है और उन दोनों का योग बोल रहा है, उन दोनों का योग 5/6 बोल रहा है, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/6 - 3/4। तो अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो हम इसका तरीका बताते हैं बिना एलसीएम निकाले बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, दो नीचे का बेस समान कर दीजिए, तो यहाँ पे 3, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12, तो 3 से इसको ऊपर भी गुना कर दीजिए, तो ये क्या नीचे 12 हो जाएंगे। ओके तो 5 × 10 - 3 = 9, तो ये हो जाएगा 1/12, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ये सब क्वेश्चन तो 0 लेवल का है, कुछ बढ़िया टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिगर वाला दे दिया है, यहाँ प्लस है, इसके बीच में एक ये वाला खुट्टी घुसा दिया है, ये वाला, और उसके बाद ये वाला खुट्टी हटाकर यहाँ बिंदा घुसा दिया, यहाँ इस तरह का फिगर है, यहाँ पे कटकुट घुसा दिया, ये कटकुट हटाकर ये बिंदा घुसा दिया, तो सेम ये इस तरह का है, तो यहाँ पे ये कटकुट हट के बिंदा घुस जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा एक बार, जैसे यहाँ पर देखिए ये इसका कटकुट ये वाला जो एक्स्ट्रा लकीर जा रहा था उसको हटा के बिंदा दे देता है, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा लकीर कहाँ जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो इसी को हटा के यहाँ पे बिंदा देगा, है कि नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बिंदा देगा, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये एक ही फिगर है ये वाला, तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें। कहता है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनेता गरीबी को नहीं समझते हैं और ना ही उन्हें गरीबी की समस्याओं के बारे में कुछ पता है, ना ही उसे गरीबों के बारे में कुछ, गरीबों की जो समस्या उसके बारे में कुछ पता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष करा है सभी राजनेताओं को बदला जाना चाहिए। क्यों भाई, जब गरीबों के बारे में उसे पता ही नहीं तो इसमें राजनेता का क्या वो है? तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट गलत, निष्कर्ष गलत है। कहते हैं सभी राजनेताओं को खराब परिस्थितियों में रहने के लिए कहा जाना चाहिए, नहीं, उसके समस्या को बताना चाहिए, उसको जो भी समस्या है गरीबों का उसे बताना चाहिए। तो ये भी गलत है, तो ना तो इसका एक होगा ना ही दो होगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में से कितने आठ हैं, कितने आठ हैं जो अपने बाएं ओर वाली संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी इधर का जो संख्या है उससे विभाज्य नहीं है लेकिन अपने दाईं ओर वाली संख्या से विभाज्य है, यानी इधर वाले से विभाज्य है इधर वाले से नहीं है। तो आठ कितने आठ है, तो आठ तो यहाँ भी है, आठ यहाँ भी है, यहाँ भी है, आठ यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इधर वाले से विभाज्य होनी चाहिए इधर वाले से नहीं होनी चाहिए। तो इधर वाले से विभाज्य हो रहा है लेकिन इधर वाले से भी तो हो रहा है, तो ये वाला तो टर्म नहीं होगा। ओके तो यहाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे ये आठ जो है इधर वाले से हो रहे हैं लेकिन इधर वाले से नहीं हो रहे, तो एक चीज एगो तो हमें मिल गया। यहाँ पर देखिए इधर वाला से हो रहा है और इधर वाले से नहीं हो रहा है, यही तो कह रहा है ना कि दाएं ओर वाले से पूरी तरह अच्छा बाएं ओर वाले संख्या से विभाज्य नहीं है, अच्छा बाएं ओर वाले संख्या, अच्छा गलती हो गया है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से फिर से करते हैं। कहता है यहाँ पर ऐसे कितने आ रहे हैं जिनके बाएं ओर वाली संख्या से विभाज्य नहीं, इधर वाले से विभाज्य नहीं होनी चाहिए और इधर वाले से दाएं ओर वाले से पूरी तरह विभाज्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या है जो यहाँ, तो ये तो है दोनों तरफ वाले से विभाज्य हो रहा है, तो दोनों तरफ वाला होगा नहीं, ये भी दोनों तरफ वाले से हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। ओके लेकिन यहाँ पर ये वाला आठ जो है तो इधर वाले से विभाज्य नहीं होना चाहिए था, इधर वाले से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा कंडीशन है, इधर से हो रहा है और इधर से नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे आठ है, ओके तो इधर वाले से नहीं हो रहा है और इधर वाले से हो रहा है, तो एक टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है और कोई संख्या नहीं है, तो इसका केवल एक ही होगा जो इस कंडीशन को फॉलो कर सकता है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी बने रहिए, आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि लगेगा कि हाँ ये ठीक, ये क्वेश्चन दोस्त पता नहीं हमसे कैसे लग गया था, तुक्का होता है ना, तुक्का नाम का भी कोई चीज़ होता है, तुक्का ही लगा, रियल में हमको ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं, हालांकि इसका हमको आंसर पता है क्यों, क्योंकि इससे हम कई बार टेक्स्ट बुक में इस तरह के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो इसका हो जाएगा 1000 गुना घट जाती है जब पीएच 3 है, जब पीएच है 3, जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, तो 1000 गुना घट जाती है। ये क्वेश्चन हमें कई बार देखने मिला था इसलिए हम मार दिए थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है हमने लगभग 4-5 महीने पहले ही सॉल्व किया है और फिर से सोच रहे हैं, अब तो यह है कि एलपी तो देगा ही,
एलपी टेक्नीशियन, एलपी और आपका टेक्नीशियन तो देबे करेगा, भले 1-2 महीना लेट हो जाए लेकिन देगा। तो इसलिए फिर से सोचते हैं एक बार रिवीजन कर लें और आप लोगों के भी बीच रख दें, और आप लोगों को भी हमारे तरीके जानने के लिए मिल जाए। और हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं, पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो कुछ का भला हो जाएगा और हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो इस पर्पस से हम ये बनाते हैं, ये नहीं कि हमें यूट्यूब से कुछ मिलेगा, नहीं, बस हम यही चाहते हैं कि मेरा रिवीजन हो और आप मेरे साथ साथ कि हमारे दोस्तों का भी भला हो जाए। तो नेक्स्ट देखिए, क्योंकि देखिए जहाँ पर हम टेस्ट मारने जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा अच्छा खासा स्कोर आता है। तो कुछ लोग जो वहाँ पर है देखते हैं हमसे, जो जूनियर सब है, तो वो लोग पूछते हैं प्रायः, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम बनाते हैं और अधिकतर लोग नहीं बना पाते हैं। तो इससे उस उन सबों का भी भला हो जाएगा और आप लोग भी का भी भला हो सकता है। तो आप लोग बने रहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आज ये Day 4 है, चौथा दिन है ये, यानी चौथा दिन होने का मतलब ये चौथा सेट है, चौथा पेपर है। हम टोटल आपको, आप लोगों को 30 पेपर का सॉल्यूशन देंगे, 30 पेपर का सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले और भी एग्जामों के लिए, अगर आप हमारे साथ, हम कहते हैं आप हमारे साथ 10 दिन बन कर देखिए, अगर आपका तैयारी वीक है तो आप हमारे साथ 10 दिन बन कर देखिए, रह कर देखिए हमारे साथ, उसके बाद आप अनुभव कीजिएगा कि नहीं वाकई में हमें जो चीज़ चाहिए, जितनी चीज़ चाहिए वो सारे के सारे चीज़ एक वीडियो से हमें मिल रहा है। तो आगे क्या बोलेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? या तो इसको आप सिंपल तरीके से निकाल लीजिए, या तो सीधा कीजिए कि 60 25% लाभ ना, तो 125/100, इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 × 2 = 25, 25 तो ये आपका आ जाएगा 3, तो 25 × 3 = 75। या तो जैसे आप क्या कहते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, 60 का 25% प्रॉफिट करना है तो 25% पहले निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे 5 × 2 = 5, 25 + 3 = 2, तो ये 15 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो 60 में 15 जुड़िएगा तो 75, तो इस तरह से भी आ सकता है कि नहीं? और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तरीका क्या कीजिएगा जान के। चलिए एक तरीका और बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 100% का मान दिया है, कितना दिया है 100% का मान दिया है 60, ओके, और हमको चाहिए 125% का मान, क्योंकि 25% लाभ भी करना है, 25% 125% का मान चाहिए। तो हम इसको 5% बना सकते हैं क्या, 20 से अगर भाग दे दें तो ये 5% हो जाएगा, है कि नहीं? और इसको 20 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए। 125 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 से गुना, तो इधर 25 से गुना कीजिएगा, तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 125% इधर का, और ये हो जाएगा 25 × 3 = 75। तो कई तरीके से निकल सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इसको मिटा देते, तो ये आपका जो हो जाएगा 75, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा तरीका ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उन तरीका को अडॉप्ट कर लीजिए, ओके। तो इसका हो जाएगा 25% 75% 75 रुपये 25% लाभ पर बेचने पर। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, और वो भी 9th का 9th NCERT ले लीजिए या भारतीय भवन ले लीजिए, किसी का भी, उन सारे बुक में ये प्रश्न हुआ, इस टाइप का प्रश्न मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको दिया है द्रव्यमान
एम बराबर 0.5 kg, ओके। और आपको भी दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, ओके। तो हाफ एम का मान आपका 0.5, 0.5 kg को हम 1/2 kg भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। भी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4, ये तो कट गया, तो बचा क्या, 4, जो आपका आंसर 4 जूल हो जाएगा। यहाँ पहले से ही लगा हुआ है 4 जूल, ओके। तो ये सिंपल सा फार्मूला पर है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये नहीं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। हमने कई बार एग्जाम दिया है, रेलवे का, NTPC का भी हमने एग्जाम दिया है, और ग्रुप डी का भी दिया है, और दोनों के दोनों में रिजल्ट बना है मेरा। नेक्स्ट इसको देखिए क्या कहता है। एक मुस्लिम संत डैश उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट ये भी आपका या आयु से संबंधित प्रश्न है, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। पृथ्व क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। मान लीजिए क्रिस का उम्र के है और पार्थिव का उम्र पी है, ठीक। तो क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, मान लेते हैं पार्थिव का उम्र एक्स, तो इससे क्रिस जो होगा x-5, 5 वर्ष छोटा है, ठीक। तो 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले मतलब 8 वर्ष घट जाएगा, तो इसमें भी 8 वर्ष घटेगा। क्योंकि अगर एक बार जरा सोच कर देखिए, हम और आप, अगर हम 4 साल बढ़ेंगे तो क्या आप 4 साल नहीं बढ़िएगा, बढ़िएगा कि नहीं बढ़िएगा। अगर हम, मेरा उम्र पूछेगा 4 साल पहले, तो आपका भी उम्र तो 4 साल पहले घटेगा, तभी तो हम दोनों अपने अपने एज पर सही सलामत रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो वही बात, यहाँ पर अगर हम 8 वर्ष घटाते हैं, 8 वर्ष पहले की बात करते हैं, दोनों में 8 वर्ष पहले घटाना है, दोनों का 8 वर्ष पहले। तो क्रिस की आयु का 3 गुना, क्रिस का आयु ये है, इसका 3 गुना, पार्थिव के आयु के 2 गुने से 10 अधिक है, यानी इसका 2 गुने से 10 अधिक है, और ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे। तो क्रिस की वर्तमान आयु क्या होगी, क्रिस की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करिएगा, तो 3x-8.5, 13, ये 2x-8 × 16 +10, यहाँ तक इसको हल कीजिएगा, 3x-39, 3 × 13 39, और ये हो जाएगा 2x-16 में 10 घटाइएगा तो -6, तो ये 3x वाले को एक साइड लेते आइए, x-2x बराबर -6 है, और इधर -39 है, माइनस का 39, तो इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 39, तो ये बच जाएगा एक्स, 3x में 2x जाएगा तो सिर्फ एगो एक्स बचेगा, तो ये इसमें घटाइएगा तो ये 33, तो एक्स का मान 33 आ गया, एक्स का मान 33 आ गया। तो क्रिस की वर्तमान उम्र पूछ रही है, तो क्रिस की वर्तमान उम्र कितनी थी, x-5, और इसका x माने थे, है कि नहीं, यहाँ x-5 ही तो क्रिस का माने थे, तो x का मान 33, 33 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 28 हो जाएगा। तो क्रिस की आयु कितनी थी, 28 वर्ष, इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्त, जहाँ लगेगा कि हाँ मैं इस शॉर्टकट से करने चाहिए,
वहाँ पर हम शॉर्टकट लगाएंगे, और जहाँ लगेगा कि शॉर्टकट से बेहतर है कि सिंपल तरीके से ही बना दिया जाए तो उसे हम सिंपल तरीके से ही करेंगे। देखिए, दो दशमलव स्थानों यानी दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक दशमलव संख्या इतना है तो अन्य ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या का गुणनफल आपको इतना दे दिया, एक है 1.6, दूसरा को कुछ मान लेते हैं x x x, तो उन दोनों का गुणनफल कितना है 0.768। ओके, तो x फाइंड कर लेंगे तो इधर आ जाएगा भागा में 0.768 अपॉन 1.6। या तो पॉइंट हटाइए या तो ऐसे कीजिए, तो पॉइंट हटा के कीजिएगा तो वो भी ठीक रहेगा, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में का 0 3 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 3, अगर इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर में पॉइंट के बाद कई संख्या, एक संख्या, तो यहाँ से एक एक कट गया। अब इसको भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, 16 85 हो जाता, 16 चौके 64 बच गया कितना, 16 चौके 64 12 बच गया, तो 128, 16 8 28 7 है, तो नीचे में 148 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 0.48। तो यहाँ से ये देखिए दोस्तों, हमको भी टेबल उसी तरह याद है जैसे बचपन में याद करवाया गया था, और हम लोग आते हैं बिहार के धरती से, बिहार में कुछ इसी तरह से टेबल बताया गया था, हालांकि किसी तरह भी पढ़ सकते हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी तरह, लेकिन एक रटा हुआ इसीलिए बोल दिए 16 8 28 से, ये हमारी मातृभाषा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका आ गया रीजनिंग में, इसे भी हम वेन डायग्राम वाला को रीजनिंग में ही काउंट करते हैं। यहाँ से कहता है कि उन सभी खिलाड़ियों को दर्शाने वाले संख्या का योग क्या होगा जो अनुशासित नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, यानी डिसिप्लिन में नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन कौन सा, ये वाला है, इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर उन वो सभी खिलाड़ी, खिलाड़ी खिलाड़ी कहाँ है, एथलीट यानी वृत्त वाला, जो सिर्फ इसके अंदर ना आए, तो ये 7 आ रहा है खिलाड़ी, तो ये वृत्त में ना है, इसमें ये 7 आ रहा है, उसके बाद आपका ये 5, ये 4, ये 5 और ये 4, तो 7 4 11 और 7 18, तो आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए 18। कहीं गलती तो नहीं की है, अच्छा ये 5 4 9 7 16 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 16 है आपका ऑप्शन 16, गलती हम जोड़ रहे थे, हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, लेकिन लिखे थे सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो बता रहे हैं तो आप स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा, लेकिन स्पीड भी बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा आराम आराम से ही सब लोगों को समझ में आए, ये नहीं कि सिर्फ हम ही को समझ में आए और आपको समझ में नहीं आए तो बेकार ही, फिर तो बेकार ही है ना, ठीक नहीं। देखिए नेक्स्ट, समर्थ उत्तर की ओर 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो आप मान लीजिए डायरेक्शन जो इधर होता है ये आपका हो जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह के सवाल को करने के लिए आप पहले दिशा को निर्धारित कर दीजिए, हालांकि हम करते हैं तो ये सब नहीं लिखना जरूरी पड़ता, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। समर्थ उत्तर की ओर 10 मीटर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर मतलब इधर नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं नहीं दाएं, दाएं मुड़ जाता है
और 4 मीटर चलता है। ओके, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक, फिर इधर इधर ही मुड़ गया। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है, तो ये उत्तर के ही दिशा में जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। यहाँ से पहले आप एक ट्रिक समझ लीजिए, जब आपको बोले कि दाएं घूमना है तो घड़ी की दिशा में घूम जाइए, घड़ी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमता है, अगर आपको दाएं बोल रहा है तो आप इधर इधर घूमिए, दाएं बोल रहा है तो इधर, अगर बाएं बोल रहा है तो आप उल्टा घूमिए, घूम जाइए एंटी क्लॉक। तो जैसे हमको यहाँ पर बोला कि सीधे 10 मीटर गया फिर दाएं घूमा, तो हम क्लॉक वाइज घूमे, है कि नहीं, क्लॉक घड़ी इधर है ना घूमता है, फिर बोल रहा था बाएं घूमे तो फिर एंटी क्लॉक हम घूम गए, तो यहाँ पर तो अब जा रहा है उत्तर की ओर, तो यह आपका हो जाएगा आंसर उत्तर की ओर। नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, यह सवाल अच्छा है और हमने भी उस समय नहीं किया था जिस समय हम सेट मार रहे थे। देखिए क्या कहता है, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिड़ी का आकार का एक अर्धगोला पर चढ़े शंकु के छिन्ना का है का होता है, तो छिन्ना का व्यास 5 और 2 सेंटीमीटर है, जो चिड़ी की कुल ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए बैडमिंटन का जो उसको क्या बोलते हैं, रैकेट, रैकेट क्या कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला और इस पर छिन्नक लगा हुआ है, इस पर छिन्नक कुछ इसी प्रकार से बनता है कि नहीं, तो ये आपका ऊपर इस तरह से रहता है, ये हमने डायमीटर मान लिया, ये क्या है डायमीटर, तो शंकु के छिन्नक, तो छिन्नक का ऊपर का व्यास यानी ये बड़ा वाला जो होगा ऊपर का व्यास होगा 5 सेंटीमीटर, ओके, और 2 सेंटीमीटर जो दिया है ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसका मान लीजिए बड़ी आर आपका मान कितना दे दिया है 5/2, ओके, और आपको छोटी आर कितना हो जाएगा 1, और चिड़ी की कुल ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई हाइट क्या होगी, तो जो त्रिज्या इधर जाएगी वही त्रिज्या तो नीचे भी जाएगी कि अर्धगोला में, तो इसका मतलब ये एक आपका यहाँ घट जाएगा, तो ये जो छिन्नक की ऊंचाई जो होगी वह 7 में 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, ओके। तो अब पूछ रहा है बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप निकाल सकते हैं, तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपका निकलेगा, एक तो छिन्नक का क्षेत्रफल लगेगा पाई एल और उसके बाद बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये आपका छिन्नक का हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको आधा कर दीजिएगा तो अर्धगोला बस यहाँ पर लगा दीजिए। तो अभी एल चाहिए हमें, क्या चाहिए एल, हमारे पास यहाँ पर आर है एच है एल चाहिए, तो एल के लिए आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, हालांकि चाहे तो हम निकालने के लिए भी बता देंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं, तो एल के लिए जो आपका यहाँ फॉर्मूला लगेगा एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। चलिए इसको दूसरे पेन दूसरे कलर से करते हैं, तो एच का मान आपका कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बड़ी आर कितना है, नहीं इसको भगा दे दीजिएगा 2.5, है कि नहीं, तो 2.5 और छोटी आर आपका कितना है 1 माइनस 1, ओके, तो यहाँ से आपका जो होगा 36 प्लस 2.5 में 1 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 1.5 का स्क्वायर, यही ना होगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ,
इधर रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो है तो ये आपका 36 प्लस 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा 2.25। ओके तो यहाँ से ये आपका क्या बन जाएगा 38.25। तो इसका आप निकालिएगा तो लगभग इसका जो मान निकलेगा, हमने निकाला है पहले, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बता रहे हैं, हमने पहले इसे बनाया है। और आप ये जान लीजिए यूट्यूब पर आप जितना भी टीचर देखते हैं, चाहे कितना बड़ा हो, जो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट होता है और जो सवाल थोड़ा अच्छा होता है उसको पहले वो बनाता है फिर आपके पास लाता है, ये नहीं कि डायरेक्ट वो आ जाता है, वो उसकी पहले कैलकुलेशन वगैरह क्या हुआ रहता है। तो ये लगभग 6.2 के आसपास आएगा। ओके तो यहाँ से एल आपका निकल गया इतना, तो अब इसमें पुट कर दीजिए, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, एल का मान 6.2। ओके या तो आप पाई को कॉमन ले सकते थे, देखिए दोनों में पाई है, कॉमन ही ले लीजिए सही रहेगा। तो बच गया अंदर में क्या, बड़ी आर प्लस छोटी आर, तो बड़ी आर 2.5, तो इतना करना क्या, जोड़ने लीजिएगा, अंदर में जोड़ है ना, तो 2.5 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5। ओके उसके बाद यहाँ पर पाई को कॉमन लिए थे, प्लस है, प्लस पाई निकल गया तो बचा गया 2, छोटी आर का मान कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। छोटी आर इसलिए यहाँ पर लिए, तो ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला ये इसी पर तो ये छिन्नक लगा हुआ है, तो जो छिन्नक की निचली त्रिज्या होगी नीचे भाग छोटी आर वाला, वही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा, तो दोनों का सेम त्रिज्या होगा। तो इसको हल कीजिएगा तो 22/7 आपका आ जाएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो कर लेते हैं, चलिए गुनाई 6.2 गुना, इसको 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31/7, 7 और 7 21, इसको 31 से कटाइएगा तो 7 21 217/10, यानी 21.7, 21.7 ये पाए बाहर है, प्लस 2 1 2। ओके इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम के लिए इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है, भले हो सकता है ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना रहे लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में भर भर के पूछा था। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुना ये 23.7, इसको कटाइए पिटाइएगा तो हो जाएगा आपका 7 से ये कट सकता है, देखते हैं नीचे उड़ा दीजिए तो पॉइंट आ जाएगा। ओके तो ये इसको 7 से कटाइएगा तो ऐसे गुना ही कर लेते हैं, गुना कीजिएगा, गुना कटा पिटा के देखिएगा कितना आंसर आ जाएगा, कटाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप कटा पिटा के देख लीजिएगा तो ये 74.29 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने का तो हम कर देंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा थोड़ा सा गुना होना करने में। तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, समर्थ पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इधर से यह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है। ओके फिर कहता है दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉक वाइज मुड़ना, इधर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ओके 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलो, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक वाइज,
और ये छह चलता है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में समर्थ किस दिशा में, यहाँ पे पहले था इस जगह पे, अब आप यहाँ पर आ गया, तो ये पूरब, ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा में आ गया, ये बीच में दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भले देखिए दोस्त वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम जो है ना आपको बता रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, और नहीं मिलेगा तब आप कहना कि नहीं जो है ना इससे हमको फायदा नहीं मिला। दोस्त मैं भी एग्जाम देने से पहले कई सेट प्रीवियस ईयर का मार कर गए थे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, और इसीलिए मैं इतने एग्जाम क्रैक कर पाया। NTPC CVT 1, CVT 2, ग्रुप डी, इन सब के एग्जाम मैंने क्रैक किया है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो आप जरूर कीजिए। हालांकि लाने का देखिए मैं हम वीडियो बना सकते थे और भी टॉपिक पर, और कई सारे टॉपिक पर, ऐसा नहीं है कि हम मैथ का वीडियो नहीं बना सकते हैं, फिजिक्स का, न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो कई तरह के हम वीडियो बना सकते हैं जीके, और आप देखे भी होंगे अगर जाकर आप चैनल पर देखिएगा तो हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी सोल्व कराए हैं, कई कई वीडियो में मेरा मैथ सोल्यूशन भी है, लेकिन हमें लगा कि एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ मिल सके, तो हमें प्रीवियस ईयर फिर पेपर याद आया कि नहीं इससे हमको फायदा हुआ था, हो सकता है और आप सबको भी फायदा हो, तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग है कौन सा, पूर्ण वर्ग है, ये सात तो अंतिम में कभी नहीं आता है पूर्ण वर्ग में, अब देखें कभी ना ही दो आता है ना ही तीन आता है, पूर्ण वर्ग में जो होगा अंत में जो आएगा एक आएगा, या तो चार आएगा, या तो छः आएगा, या तो पाँच आएगा, या तो जीरो आएगा, और आपका नौ आएगा, ये सब संख्या आती है, बाकी बात ये सब नहीं आता, सात दो तीन ये सब नहीं आता है, तो इनमें से एक तो है तो एक वाला ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो करके देखिए ये आपका हो जाएगा ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, बाकी बात ये सब किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, तो आपका आंसर ये एक नंबर हो जाएगा। अब देख भी सकते हैं हम कितना कम समय लिए हैं, मतलब 7 सेकेंड, मात्र 7 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है 2016 में रियो ओलंपिक में भारत के लिए ध्वज वाहक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, शायद मेरे भी दिमाग से निकल रहा है, शायद अभिनव बिंद्रा होनी चाहिए, अभिनव बिंद्रा, रियो ओलंपिक में भारत के लिए ध्वज वाहक अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, तो तीन अणु होते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, तीन अणु। नेक्स्ट देखिए, कहता है कुछ अभिनेता व्यवसायी है, कुछ अभिनेता व्यवसायी है, ऐसे बनाइए, कुछ अभिनेता को ए मानते हैं, व्यवसायी को बी मानते हैं, कुछ अभिनेता व्यवसायी यानी कुछ अभिनेता का जो हिस्सा है वह व्यवसाय में जाएगा, ओके, और सभी व्यवसायी बुद्धिमान है, सभी व्यवसायी जितने भी व्यवसायी हैं वो बुद्धिमान है, हिंदी में लिख देते हैं बुद्धिमान है, तो निष्कर्ष कर रहा है सभी अभिनेता बुद्धिमान है, सभी अभिनेता के बारे में बुद्धिमान है, इसके बारे में तो कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है लेकिन है, यहाँ पे बोल रहा है अगर हो सकता वाला बात होता तब तुम कह देंगे हाँ सही है, तो ये वाला टर्म गलत है, पहला गलत है, सभी व्यवसायी अभिनेता है, सभी व्यवसायी अभिनेता नहीं, सिर्फ इतना सा हिस्सा ही अभिनेता है, तो दूसरा भी गलत है, यहाँ पर आपका दूसरा भी, तो ना तो एक होगा ना ही दो, दोनों का दोनों गलत है। नेक्स्ट
सही बताना दोस्त, क्या आपको हमारी सॉल्यूशन सही लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा है तो, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए कि आपके साथ आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो। एक बात बताएं दोस्त, जब जब तक आप कंपटीशन में नहीं रहिएगा, आप कंपटीशन में रहते हुए किसी और का मदद नहीं कीजिएगा, तो आप भी सोचिएगा कि हम अच्छा खासा तैयारी कर ले, नहीं हो पाएगा। आपसे कोई पूछेगा, आप किसी को बताइएगा, तब आपका जो तैयारी का जो है ना लेवल बना रहेगा, और उससे आप, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो उसको आप बताने का कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है उस समय अगर आप नहीं जानते हो तो कुछ उसको आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा तो बन भी सकता है, तो घाटा नहीं होता है, बताने से कभी घाटा नहीं होता है, फायदा ही होगा। तो इसलिए ये सब नहीं रख कीजिए कि शेयर करना है तो यह हमसे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं मानिए, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है? 1 मोल कार्बन 1 मोल हीलियम की 3 गुना अधिक परमाणु होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन से 3 गुना अधिक परमाणु होगा? ये तो वही बात बोल रहा है, 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन से 3 गुना अधिक परमाणु होगा? नहीं होगा, दोनों बात सेम है लेकिन उल्टा के सिर्फ लिखा है। इसका देखिए सीधा सीधा सिंपल बात बताते हैं, चाहे वह कार्बन का परमाणु हो चाहे हीलियम का परमाणु हो, अगर 1 मोल की बात करेगा तो वह 6.022 × 10²³ मोल होता है, 23 ग्राम होता है। तो चाहे वो हीलियम हो चाहे आपका कार्बन हो, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा, 1 मोल कार्बन में जो परमाणु की संख्या होगी 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणु की संख्या के समान होगा, आपका ये वाला बात सही होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें। कहता है ये तो फेमस क्वेश्चन, आप लोग भी कीजिएगा, आराम से मार सकते हैं, कम से कम आप लोग 80% लोग जितने भी देखेंगे ना, 80% लोग तो जरूर मार सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ, क्योंकि 87% भी लोग मारे हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक पाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी भाला फेंक से। नेक्स्ट, हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपका हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है, उसके बाद बाकी बाद जितने भी होते हैं, हीलियम हो गया आपका, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, नियोन नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन, ये सब जितने भी, यानी 18वां समूह के जितने तत्व होते हैं, हीलियम को छोड़ के सभी के अंतिम में जो अंतिम ब्लॉक में जो होते हैं, अंतिम कोश में जो होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8, यानी पूरा सेल इसका भरा होता है हीलियम को छोड़ के। हीलियम क्योंकि हीलियम में हीलियम का जो परमाणु है संख्या 2 होता है, तो इसके बाहरी कोश में कहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हीलियम को इसलिए बोल रहा है छोड़कर कि सभी में कितने होते हैं बाहरी कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इसको मिटा दें। यह आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में मौजूद होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई फूल है, उतनी बढ़िया तो नहीं बन पाएगा लेकिन समझिए कि ये आपका फूल, चलिए फिगर नहीं हो पाएगा दोस्त, लेकिन मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है,
कि फूल के केंद्र में, तो ये जो ये वाला जो भाग होता है इस तरह से, जिसको आप अंडज बोलते हैं, अंडव, ये केंद्र केंद्र में जो पाया जाता है उसको अंडव कहा जाता है, केंद्र में जो पाया जाता है उसको अंडव कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पंखुड़ी। तो ये बाहर में जो पंखुड़ी वगैरह होता है वह बाहर में होता है, और बाह्य दलपुंज जो नीचे में हरा वाला होता है वो बाह्य दलपुंज होता है। पुंकेसर जो पुरुष फूल का पुरुष वाला भाग होता है, जैसे कि ये दो दो तरह के भाग होते हैं फूल में, एक पुंकेसर एक स्त्री केसर, एक पुंकेसर एक स्त्री केसर। तो ये वाला जो पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये पराग कोश, इसके अंदर परागण होगा, ये फिलामेंट फिलामेंट यानी तंतु, और जो होता है ये पूरा ये वाला जो पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक जो ये पतला वाला है वो होता है पुंकेसर, वो होता है पुंकेसर। और इधर का इधर वाला जो भाग होता है इस ये जो बड़ा वाला जो दिखता है मेन एगो बीच में एक ही होगा जो मोटा जैसा होगा वो होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर का ही भाग है ये अंडव, इसमें अंडव में अंडाणु होगा, और इसका नाम बोल रहे हैं इस भाग का क्या नाम है। तो फूल का एक अलग से जो है ना आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, हालांकि हमको इसको पता है कि बीच में जो होता है वो अंडव होता है, तो आपको ये अंडव हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखें, डेढ़ सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। ओके, तो आपको तो यहाँ पता होता है कि समय बराबर आप क्या सूत्र लगा सकते हैं, दूरी बटे चाल, है कि नहीं। तो वही सूत्र हम यहाँ आप लगाएंगे, रेलगाड़ी की लंबाई जो है प्लस कुल दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसकी लंबाई को एक्स मान लेते हैं। चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा। हालांकि आपको एक ट्रिक बता दें, जैसे इधर 5 का टेबल लिख लीजिए, इधर 18 का टेबल, 5 दुनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25, इधर 18 का टेबल लिख लीजिए, 18 दुनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। ओके, तो यहाँ पर दिया है कितना 54, ये किलोमीटर वाला है, ये मीटर प्रति सेकंड वाला है, ये किलोमीटर प्रति घंटा वाला है, ये मीटर प्रति सेकंड वाला। तो यहाँ पर जो 54 है और 54 के सीधा में क्या आया है 15, तो 54 किलोमीटर को बदलिएगा तो वह 15 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब बदल के देख लीजिए, 54 किलोमीटर को इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से कीजिएगा, तो ये 3 बार में जाएगा तो 5 × 3 = 15। तो इसलिए ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपका कुछ टर्म जो है कि आसानी से निकल जाएगा। और समय कितना लगा है, 42 हो गया, कुल दूरी बटे चाल बराबर समय, तो इसको गुना कर दीजिए, 150 प्लस एक्स बटे 15, अच्छा गुना करना था, इसको 15 को हटा देते हैं, गुना करना था, तो ये आपका हो जाएगा 15 से गुना कीजिएगा तो 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, 3 × 63 = 630। ओके, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 630 माइनस 150, तो ये आपका हो जाएगा 480, घटाइएगा तो हो जाएगा 480, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से बना सकते हैं इसको आसानी से। नेक्स्ट देखिए, चलिए आप हड़बड़ाइए नहीं दोस्त, बहुत जल्दी जो है वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि अब जो है क्या कहते हैं, अब नेताओं सबके भी एग्जाम आने वाले हैं, 24 आने वाले हैं, और आने वाले हैं 2024 आने वाले हैं। तो अब जब नेताओं का एग्जाम होगा तो जनता का तो एग्जाम देगा कि नहीं, तो इसलिए वैकेंसी तो आनी है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो चल ही रहा है मोदी जी का। नेक्स्ट देखिए,
जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। ये तो कल वाला भी डेट 3 में ये वाला क्वेश्चन आया था, जो कल का जो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। देखिए अब इस प्रश्न में क्या है, किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में जो है पौधे में पर्ण यानी पर्ण मतलब पत्ती कोर के साथ नोच के अंकुर उत्पन्न करता है, यानी पत्तियों से ही क्या कहते हैं अपना प्रजनन शुरू कर लेता है, अपना नेक्स्ट जनरेशन बना लेता है वो ब्रायोफाइलम में। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन पुराना यानी प्राचीन का पर्यायवाची शब्द है पुराना, तो पलंग पोष का पर्यायवाची क्या हो सकता है। पलंग पोष प्राचीन को पर्यायवाची पुराना, पलंग पोष मतलब कि पलंग पर बिछाने वाला, उसका पर्यायवाची दूसरा क्या हो सकता है, सीट बर्थ। क्या हो सकता है, सीट बर्थ यानी एक तरह से चद्दर तद्दर नहीं होता है, रजाई तो अलग चीज हो गया, ओढ़ने वाला हो गया, लेकिन यहाँ बिछाने वाला बात होनी चाहिए। पलंग पोष का मतलब ही होता है बिछाने वाला, तो ये आपका सीट बर्थ हो जाएगा। लीजिए अभी हम चेक करके, हो सकता है हमारे दिमाग से निकल गया सीट बर्थ, हम अलग चीज सोच, रजाई, रजाई भी बिछा सकते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा रजाई। कोई बात नहीं है दोस्त, सही कर लीजिएगा, हो जाती है गलती तो इंसान से ही होती है, तो हम किस खेत का मूली है। तो ये आपका रजाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा। प्रोपेन का तो जैसे कि मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप वाला जो होगा वही तो प्रोपेन बनेगा। मिथ में 1, 2, 3 यानी कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, तो कार्बन की संख्या इसमें 1 है, इसमें 4 है, 3 इसमें है, इसमें 2 है, तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ 3 वाला होनी चाहिए। तो एक ही देखकर आप मार सकते हैं, कार्बन की संख्या देखकर ये आपका हो जाएगा आंसर कि प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा। आणविक सूत्र C3H8, C3H8। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सब पूछा जाता है। विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई, किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई। तो ये आपका हो जाना चाहिए, देख लेते हैं क्या है, हमको पता नहीं है इसका क्या आंसर है, क्योंकि ये 2% लोग हमारा है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसका क्या होता है। नमिता गोखले। अच्छा सुदीप्त दास, आपको क्या लग रहा था आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, इस पेपर को हम इधर जो ट्राई किए थे लगभग हो गया 4-5 दिन पढ़ने से, तो कुछ क्वेश्चन तो निकल जाता है दोस्त, जीके ऐसा चीज है कि वो कितनों पढ़िए आपसे निकल जाएगा, थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा, कुछ याद रहेगा। जैसे इसका, ये 2017 का, ये क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है, इसको हटा दीजिए, स्किप कीजिए, हालांकि SBI होगा, पढ़ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, ऊर्जा का वह कौन सा रूप जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। हमने सोचा था यहाँ पर क्या मनुष्य में ऊर्जा का रूप, लेकिन ये जो मरवाया है मनुष्य में नहीं, साइकिल में ऊर्जा का कौन कौन सा रूप इस्तेमाल होगा। साइकिल में ये बात पूछ रहा है कि साइकिल में जो ऊर्जा का रूप इस्तेमाल होगा वो कौन कौन सा ऊर्जा का रूप इस्तेमाल होगा। अब तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा बनेगा,
जो घर्षण होगा टायर और रोड के बीच, तो घर्षण तो उष्मा उत्पन्न होगा, ये होगा। उसके बाद ये इसमें गति भी करेगा, यानी आंतरिक घूमेगा भी, तो आंतरिक भी होगा और ये गति भी करेगा, आगे भी जाएगा, तो इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा भी होगा। तो ये तीन ऊर्जा होगा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। हमने सोचा कि मनुष्य के बारे में, मनुष्य जो साइकिल चला रहा है उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें तो भाई रासायनिक ऊर्जा होगा, हम वही सोच के मारे थे, लेकिन इसका मरवा दिया है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये इंग्लिश का है, इसको ऐसे कर लेते हैं। पीपल को पर्सन, यानी यहाँ बहुवचन को एक वचन बना रहा है, तो यहाँ भी किधर होगा। कैक्टी को कैक्टस, यानी कैक्टस को कैक्टी बना रहा है, यहाँ ये बहुवचन को एक वचन बना रहा है यहाँ पर। हालांकि हमने ये गलत मार दिया था, ये फंगस यहाँ पे जो है यही है एक वचन, और फंगी बहुवचन है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है। नेक्स्ट, अब देखिए ये मिलान वाला, कि एक बार कीजिए केवल, प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार कीजिए और तीन समूह बनाइए, बनने वाले तीन समूह कौन से होंगे। ओके, तो देखिए फिगर से ये पकड़ पकड़ में आ जाता है कैसे ये होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर जो चार भागों में बटा है, एक तो दो है, एक पांच है, एक छः, एक दो पांच छः। आपको जो सब पहले ग्रुप दिख रहा है उसको आप बना लीजिए, बाकी बात तो देखा जाएगा ना, कम से कम एक एगो तो बन गया। अब दूसरा, जैसे एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, तो ये नौ है, तीन है और आपका एक है, तो आप कह सकते हैं एक तीन नौ। जब दो को बन गया तो जहाँ दो को मिल जाएगा तो मार देंगे, तो वही सही हो जाएगा। दो पाँच छः यहाँ दिख रहा है, दो पाँच छः, एक तीन नौ, एक तीन दिख, एक तीन नौ दिख रहा है, तो इसको मार दीजिए, एक तीन नौ। बाकी बात तीसरा तो मिलना ही है, जो बचेगा तो बाकी बात उसी का ना ग्रुप बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए इतना सा तो समझदार बनना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अगर आपको जो क्वेश्चन में डॉट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा, और मैं प्रायः रिप्लाई दे देता हूँ। तो चलिए देखिए, भले आप बड़े बड़े यूट्यूबर को आप रिप्लाई कमेंट कीजिएगा तो रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि उसको उतना पढ़ने का फुर्सत नहीं है, लेकिन हम हमारा अभी जो है ना, हम उतना बड़ा वो नहीं है जो कि हम नहीं देख सकते, तो रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो देखिए इसको करते हैं, 122 प्लस 345 माइनस एक गुना 1011 भागा 337। देखिए ये अंदाजा लगा के आप कटा सकते हैं, ये तीन बार में ये इससे कन्फर्म जाएगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा कट रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर देखिए, सात को तीन से जैसे गुना किया तो 21 बनेगा, नहीं लास्ट में एक डिजिट एक बन रहा है, तो ये तीन से निश्चित जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या क्या, तीन दो पाँच दो सात, सात में तीन जाएगा तो चार, लास्ट डिजिट चार होनी चाहिए, तो ये और ये नहीं है। चलिए उसके बाद चार दो छः, उसके बाद दूसरा डिजिट छः होनी चाहिए, अच्छा दोनों में छः है, तो ये तो गड़बड़ है। 3×4 464 क्या बन जाएगा, इसको पूरे सॉल्व करना पड़ जाएगा, नहीं तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर दो दो ऑप्शन तक मिला कर दे दिया था, नहीं दिया था तो मिला नहीं, उफ नहीं, तो ये यहीं तक में हल हो गया था, सिर्फ ये दो ही अंक तक में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में भारी मिस्टेक हो गया हमसे, ये क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए था। ओके देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस फिगर को बनाने में आवश्यक सीधी रेखाएं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कम से कम कितने संख्या, तो यहाँ से काउंट कीजिए,
एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे वाला में चार गो बना। कलर्स चेंज कर देते हैं। अब ऊपर से काउंट करते हैं, एक दो तीन चार, इधर इधर वाला में चार गो मिल गया। अब इधर से काउंट करते हैं जिसको हमने छोड़ा है, इस वाले से, एक दो तीन, तीन को इधर से मिल गया। तो टोटल कितना हो गया, चार चार आठ, तीन एक ग्यारह, कितना हो गया 11। और तो नहीं ना बचा था, नहीं बचा था। तो देखिए कितना आसान था, लेकिन गलती, ये क्वेश्चन गलती होने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता है? देखिए हमको यहाँ पर आपको रॉन्ग दिखाने में हमको, या कि हमसे ये गलत हो गया तो हमको लाज लगेगा कि ये गलत वाला क्यों दिखा रहा है, खाली सही वाला हमको दिखाना चाहिए। नहीं दोस्त, जो हमसे नहीं हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने बाद में उसे बनाने का ट्राई किया, कोशिश किया और बनाया, और मैं इस तरह से बनाया कि ताकि आप सामने वाले को मैं समझा सकूं। तो जब मेरा गलती हुआ वो हमारी गलती थी, लेकिन अब हमारी गलती नहीं है कि अब मैं उसको गलती करें, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता होती है? तो इसका आंसर हमने याद कर लिया, वो जो होता है पश्चिमी घाट में। आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन याद ही किया जाता है। उसको ऐसे सोचिएगा कि कोई तरीका ट्रिक मिल जाए, नहीं होता ऐसे। यहाँ पर देखिए, अनुमानों से कौन सा निहित है? तर्क क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि एक्स ने, वाई ने एक्स को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे IIM में शामिल होना चाहिए। ओके, तो IIM एक नहीं, IIM जो है वो अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, अच्छी करता है, इसीलिए तो ये सलाह दे रहा है, वाई ने एक्स को सलाह दे रहा है। अगर नहीं करता तो क्यों देता सलाह, है कि नहीं? तो एक तो सही है, एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है, वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है। तो मान लीजिए मेरे बगल में आप बोलिएगा तो हम तो जरूर सुनेंगे, सुनता है तो सुन रहे हैं, या हो सकता है उस पर हम अमल भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों निहित होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये आपका एक और दो, दोनों। नेक्स्ट देखिए, ये भी इस क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए। वर्ष 2017 में किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और प्रसिद्ध व्यक्ति ने पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ये आपका हो जाएगा अनुष्का शर्मा, क्योंकि 2017 वाला में शायद अनुष्का शर्मा, उसके बाद 19 वाला में आलिया भट्ट था, फिर आपका ये भी शायद बना था, क्या कहते हैं, विराट कोहली भी बना था। अभी कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमें नहीं पता है वर्तमान में अभी कौन है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, हम अभी उतना करंट वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आकृति का सही जल छवि क्या होगा? जल छवि का जब बात करें तो आप नीचे में दर्पण को बनाइएगा, नीचे में यहाँ पर दर्पण को बनाइएगा, तो समझिएगा कि यहाँ पर दर्पण है। जल छवि का जब भी बात करें तो आप समझिएगा नीचे दर्पण है। तो नीचे दर्पण होने का मतलब ये वाला फिगर सटा हुआ ऊपर होना चाहिए, यानी ये इधर उल्टा तो ये सीधा, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। अब नेक्स्ट, पुल्ली इधर है तो इसमें भी पुल्ली इधर होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें पुल्ली इधर नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, तो एक ही वो ऑप्शन है ए नंबर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके सही है, तो आपका ए नंबर हो गया। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा हमने दिमाग लगा कर बनाया था, जैसे देखिए कैसे, फ्रीडम टेल
ये 2.5 मीटर लंबा मार्ग है जो अमेरिकी क्रांति में समृद्ध अंतर्विष्टि प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। किस अमेरिकी शहर में आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक ट्रेल मिलेगा? तो हमने एक बोस्टन टी पार्टी की घटना सुना था जो कि अमेरिका में हुआ था चाय को लेकर, तो इसीलिए हमने इसको मार दिया वही समझकर, और सही भी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स को नहीं देखेंगे, जो रहेगा हाल फिलहाल का 22 तक का रहेगा वो सबको देख लेंगे। देखिए इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी ई और यानी ए बी सी डी ई और ई में विषम संख्या है, यानी इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या है? तो बात को यहाँ पर समझने का जरा कोशिश कीजिएगा। कहता है ए बी सी डी डी और ई एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो इससे थोड़ी ना पता चलता है कि इनमें से कौन सा विषम संख्या है। बी अभाज्य संख्या है, ठीक है बी अभाज्य संख्या, लेकिन फिर भी तो ये पता नहीं चाहिए इसमें क्रमिक थोड़ी ना कहा है कि क्रमिक कह देता या क्रमागत कह देता तब हम कहते हाँ अगर बी अभाज्य है तो बाकी बात कोई ना कोई संख्या मतलब कि विषम संख्या होगा, क्योंकि अभाज्य होने के बाद यहाँ पर और जो अभाज्य संख्या है तो इस तरह से कह सकते थे, लेकिन ये क्रमिक की बात नहीं कर रही है, इसलिए ये भी गलत ये भी गलत, इसका दोनों गलत होनी चाहिए हमारे उम्मीद से। ओके, दोनों गलत है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट, आप लोग भी थोड़ा वीडियो रोक कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि कुछ आप बना पा रहे हैं कि नहीं, जो बन जाता है आपसे तो समझिए कि अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम तो है ही हैं, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, गलत संख्या का चयन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 6 बढ़ा है, उसके बाद 8 बढ़ा है, उसके बाद यहाँ पर 12 बढ़ गया है, उसके बाद यहाँ पर 10 बढ़ा है, उसके बाद यहाँ पर 14 बढ़ गया है, यहाँ पर ज़्यादा 12 में 16 बढ़ गया है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 6, 8, 10 बढ़ना चाहिए था, यहाँ पर 30 हो जाता तो काम हो जाता, यहाँ 10 बढ़ता तो यहाँ 12 बढ़ता, तो 12 बढ़ने के बाद 42 बनता, फिर 42 के बाद 56 बनता, फिर यहाँ पर इस तरह दो दो बढ़ता, लेकिन यहाँ पर 32 देकर गलती कर दिया था, जो कि यही है गलत, इसमें यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, देखिए भारतीय उद्यमी भारत के कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट में सह संस्थापक के मालिक कौन है? ये आपका हो जाएगा अजय सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण करते हैं? ये आपका अमरबेल हो जाता है, अमरबेल का पौधा जो होता है वो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण कर लेते, जैसे नीम नीम का पेड़ हो गया, आम के पेड़ पर सब जो लत हरा हरा लत्तर देखते हैं वही होता है अमरबेल। अमरबेल उसकी जड़ जमीन से नहीं होती है, डायरेक्ट पेड़ से ही वो अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। नेक्स्ट देखिए परजीवी, यहाँ पर देखिए जू भी आपका जो है ना ये भी परजीवी है, मलेरिया परजीवी है, लेकिन जो बोल रहा है पौधों से पोषण प्राप्त करे, तो पौधों से प्राप्त करने वाला एक ही गो है यहाँ पर अमरबेल। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 2001 से 2006 के अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत वेतन कितनी होगी? अच्छा, सिर्फ वेतन का औसत निकालना है, सिर्फ वेतन का। पहले एक बार इस तरह के क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आसान हो जाता है कि आखिर हमको निकालना क्या।
तो यहाँ पर देखिए सिर्फ वेतन का औसत निकालना है, यहाँ 1500 है, 2600 है, 3200 है, 4100 है, तो इस सबको जोड़ दीजिए, 1500 2600 कितना हो जाएगा आपको 4100, 1500 और 2600 को जोड़िएगा तो 4100, 4100 ना होगा, हाँ 4100, और इसमें 3200 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32, और ये 41 को भी जोड़ दीजिए, हालांकि अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, 2 1 3 जैसे, चलिए शुरू से ही जोड़ते हैं, आप लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हालांकि हम तो ऐसे ही जोड़ लिए थे, आप लोगों को हम बताते हैं, 1500 2600 3200 और यहाँ पर 4100 और नीचे देखिए 1 मिनट, इकतालीस सौ के बाद आपका है 5000 5000, फिर आपका 5200 5200, सबको जोड़ दीजिए, 0 0 6 5 11 2 13 1 14 2 16, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 1 21 अपन कै गो है 6 वर्ष, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ष तक, इसको भाग दीजिएगा तो 36 6 216 00, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3600, यानी ऑप्शन नंबर बी 3600। तो इन सब क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, सिर्फ एक बार देखिए डाटा आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए करते हैं, नेक्स्ट ओके कहता है 10% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता, यानी कोई वस्तु 100 रुपया का था, यानी मान लीजिए 100% का था, उसको 110% लाभ हो गया था, यानी 110 कर दिया, और 110% का मतलब ही कह रहा है कि वो जो बेच रहा है 440 रुपये में, हमको तो 100% निकालनी चाहिए, क्रय मूल्य मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य हमने मान लिया 100% है, और ये विक्रय मूल्य हो गया 110%। अभी इससे पहले कुछ देर पहले यही टर्म जो हम लोग हम बताए हुए थे एक क्वेश्चन और में, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ओके तो ये 10% बराबर क्या हो जाएगा 40, तो 100% बराबर एक जीरो और चिपका दीजिएगा, तो इधर इधर एक जीरो चिपक जाएगा, तो विक्रय मूल्य आप यानी क्रय मूल्य जो आपका 100 माने तो 100 का मान निकल गया 400, यानी 100% बराबर 400, यानी 400 का वस्तु था 370 में बेच रहे थे, तो हानि का हानि कितने का हो रहा था 30 रुपये का, कितना पर हानि परसेंट बराबर क्या होगा हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा क्या है 400 बटे 400 गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये कट जाएगा, तो भगा दीजिएगा 7.5 आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब कुछ ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है देखते हैं, और लगभग 20-25 क्वेश्चन है, और अब जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं, ठीक। तो कहता है यहाँ पर देखिए 900 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में सतीश किरण को 200 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हराता है, उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराएगा, ओके तो कहता है 900 मीटर दौड़ना है, 900 मीटर दौड़ना है, तो सतीश किरण को 270 मीटर से हराता है, तो किरण आखिर कितना पीछा रहता है 270 मीटर पीछे रहता है, किरण आखिर दौड़ता कितना है, तो घटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा 0 3 6 630, और फिर 900 दौड़ जाता है और ये 340 ही दौड़ता है, तो ये कितना पीछे रह जाता है, तो 340 घटा दीजिएगा तो उतना पीछे रह जाएगा, यानी सिर्फ उतना ही दौड़ पाएगा, क्योंकि ये 340 मीटर से हराता है, इसको हराता है,
तो इसका मतलब ये 0, 6 और इधर 8 में 3 गया 5, 560। ठीक, तो एक तो ये आपका हो गया किरण, किरण यानी इतना ही दौड़ पाया था जब जब सतीश 1000 दौड़ा था, 900 दौड़ा था। और आपका राहुल इतना ही दौड़ पाया था जब ये सतीश जो है 900 दौड़ा था। तो राहुल तो ठीक, तो ये दोनों का हम मान सकते हैं कि ये इसका गति का रेशियो होगा। ये किसका रेशियो होगा? गति का रेशियो। तो किसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर? राहुल को कितने मीटर से हराएगा कौन उसी दौड़ में? किरण, किरण, किरण का ये है 630 वाला, तो 630 वाले को नीचे रख दीजिए जो हराएगा, और जिसको हराएगा उसको ऊपर रखिए। और कितने मीटर के दौड़ में? 900 मीटर, क्या बोल रहा है, उसी दौड़ की प्रतियोगिता में, उसी यानी ये 900 मीटर के ही दौड़ में, तो इसको 900 से गुना कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा 7 से 8 टाइम, 7 से 9 टाइम, और 9 से ये 100 टाइम, तो ये 800 हो गया। क्या हो गया? जब किरण, क्या कहते हैं, राहुल 800 दौड़ेगा तो किरण अपना दौड़ पास कर चुका होगा, अपना दौड़ 900 पूरा का पूरा पार कर चुका होगा। तो कितने मीटर से हार रहा है? तो 900 माइनस 800 तो आपका कितना हो जाएगा? 100 मीटर से हार रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर नहीं समझे तो इसको पुनः एक बार रिवाइंड करके समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। अब जानते हैं दोस्तों, हमको नींद आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब हम आपसे वादा किए कि टोटल क्वेश्चन कराएंगे 75 का, 75 क्वेश्चन कराएंगे, तो इसलिए सोचते कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए दोस्त, वन सेकेंड नहीं बोलने का है। चलिए देखिए, कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, डैश कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये सब भी करते हैं, प्लेनेरिया भी करते हैं, विखंडन के द्वारा करते हैं, लेकिन बहु विखंडन के कारण प्लाज्मोडियम करते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए बनाते हैं। कदा 2 sec² θ यानी एक्स माइनस 10² x बराबर 5 दिया है। हमारे पास जो है 2 sec² x माइनस 10² x बराबर 5 दिया है, और x का मान जो होगा 0 और 90 के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक, तो 90 से छोटा होता तो ये वाला तो नहीं होनी चाहिए, हालांकि यहाँ पे हम लोग मान पुट करके भी रख सकते थे, है कि नहीं, तो मान भी रख कर बना सकते हैं। जैसे 45 रखिएगा तो 2 sec 45 डिग्री का मान क्या होगा? 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 माइनस 10 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, तो यहाँ से तो 5 नहीं आने वाला है, तो 2 × 4 में 1 जाएगा 3 आ जाएगा, हमको 5 पुराना है। या इसको हीट एंड ट्रायल नियम भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर रख दे 60 रखिए, 90 तो हो नहीं सकता है और 45 हुआ नहीं, तो 60 रख के देखते हैं, या 30 दो ऑप्शन रख के देखते हैं। 2 sec 30 डिग्री का मान कितना होगा?
तो जैसे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? अगर नहीं याद है तो कोस का तो आपको याद होनी चाहिए। कोस 60 डिग्री का कितना होता है? √3/2 होता है कि नहीं? तो सेक का इसका उल्टा यानी 2/√3 हो जाएगा। सेक नहीं, कोस 60 डिग्री का मान आपका हाफ होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। 2 तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 4 माइनस 10। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 3। तो 4 दुनी 8 में 3 गया, कितना हो गया? 5। तो यहाँ मान 60 रखने पर आंसर 5 पूर गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, हालांकि और भी यहाँ पर नियम लगा सकते थे, जैसे कि एक नियम बताते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इसको पहले एक बार मैं ये कर दूं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू, ये कहाँ चल जाता है पेन, कि टू हर जा मुन्ना क्या है, हट गया। ओके, टू सेक यही होता है नींद लगने पर, 2 sec² - 10 square x बराबर 5 है। ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कुछ पुट कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, 2 sec² थीटा के जगह पे 1 + 10 square थीटा हम पुट कर सकते हैं। ओके, माइनस इधर 10 square थीटा, थीटा मान लेते हैं x की जगह कुछ थोड़ा देर के लिए, x बाद में पुट कर दीजिएगा। तो ये हो गया 2 + 2 10 square थीटा - 10 square थीटा। ये 2 इधर प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, और यहाँ 2t में एक टी घट जाए, 2 10 square थीटा में एक वो 10 square थीटा घट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ 10 square थीटा बचेगा, है कि नहीं? और इधर 5 में ये 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो इसके 10 square है तो स्क्वायर रूट कर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो 10 कितना डिग्री का मान? √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, या हीट एंड ट्रायल नियम से भी निकाल सकते थे इसको। तो नेक्स्ट देखिए, बीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, ओके, और शेष 60% घरेलू खर्चों पर करता है, तो वह 2210 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो 15% घर, तो इसका मान लीजिए 15% करने का मतलब 3/20, 60% करने का मतलब 20 या 60, 3/5 है कि नहीं? 60% बराबर इतना लिख सकते हैं, और ये आपका 15% बराबर 3/20 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो इसका जो नीचे वाला है हर वाला जो भाग है, इसका एलसीएम ले लीजिए उसको, और टोटल मान लीजिए कि उसकी मासिक आय जो होगा, टोटल मासिक आय जो होगा, टोटल इनकम जो हो जाएगा 20 × 5 = 100। 100 हमने मान लिया कि टोटल इनकम है, तो 100 में 100 का 3/20 कीजिए, 3/20 कितना हो जाएगा? 20 से भाग दीजिए इसको 100 का, देखिए यहाँ पर अलग से कर देते हैं, 3/20, तो 20 × 5 = 6 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 कितना हो जाएगा? 15। फिर शेष का यानी 100 में 15 तो निकल गया, तो बचा कितना? 85। और 85 का बोल रहा है
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3/5 है, 85 का 60%, यानी 3/5, 85 का 3/5 कीजिएगा कितना होगा, 17 बचे 85, 17 तिया 51, यानी 51 खर्चा कर रहा है घरेलू खर्चों पर, बाकी बात जो बच रहा है वह बचा रहा है। तो 15 और 51 तो खर्च हो गया, तो बच रहा है कितना, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 66% इसने पूरा 66 ख़त्म कर दिया, तो अब इसके पास 34 ही तो बचा है, तो यही 34 का मान जो हमारे पास है 2210 रुपये है, 2210 रुपये है। तो हमको तो 100 का निकालना है कि उसकी मासिक आय कितनी थी, टोटल इनकम कितनी थी, तो मासिक आय हमको तो इसको कटाइएगा तो ये कई बार में कट जाएगा, 17 से 2 टाइम 17 से 17 51 130 बार में, तो हमको 100 का मानना चाहिए, तो 50 से दोनों साइड गुना कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 13/65 और 20 चिपक जाएगा, 20 चिपक जाएगा, तो ये हो गया आपका 6500। ओके, तो ये यहाँ से इस तरह से आसानी से निकाल सकते थे, हालांकि फिर उस तरह से कर 60% करते हैं फिर, तो इस तरह से होता है कि आपको मान थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, या शॉर्टकट जल्दी से आप कैसे हो सकता है जुगाड़ उगाड़ लगा के निकाल लें, तो आपका आसानी से ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट, अब रियल में दोस्त हमको नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बिना कराए हम सोने वाले हैं नहीं, अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बजने वाला है, हमको लगता है कम से कम 12:30 बज जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो वह डैश की ओर झुकेगी, झुक जाती है, तो देखते हैं क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कहते हैं सघन माध्यम से, यह सघन माध्यम है, मान लीजिए ऊपर वाला है सघन माध्यम और नीचे वाला है विरल माध्यम। ओके, तो कोई अभिलंब है, मान लेते हैं ये कोई अभिलंब है, अभिलंब रेखा है, तो सघन माध्यम से कोई प्रकाश आ रही है, ठीक, सघन माध्यम से कोई प्रकाश आ रही है, तो विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा अभिलंब से दूर भाग जाएगा, थोड़ा सा अभिलंब से, तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर भाग जाएगा और तेजी से भागेगा, क्या होगा, सघन माध्यम से जब भी कोई रेखा कोई भी किरण आएगा तो यह अभिलंब से दूर भागेगा और उसका गति तेज हो जाएगा, गति तेज हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर कहता कि विरल से सघन में जा रहा है तब फिर उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, अभिलंब की ओर झुकेगी और स्पीड कम हो जाएगा, जैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ से देखिएगा, मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक, सघन विरल माध्यम कहने का मतलब कि जो विरल मतलब कि थोड़ा घना रास्ता, विरल मतलब थोड़ा घना रास्ता, और सघन मतलब जो है आपका कुछ बढ़िया रास्ता, तो आप किधर से ज्यादा जाना पसंद कर रहे, यानी आप जल्दी किधर से पहुंच सकते हैं, जो सघन रास्ता हो, है कि नहीं, विरल रास्ता से तो आप जल्दी पहुंच नहीं सकते हैं, मेरी बात से समझ है, तो आपका जो सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाइएगा तो आपका गति तेज हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब यही था, फिर से आप समझिएगा, अब फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये सघन माध्यम है, ये सघन, इसमें इसका जो है कि रास्ता कुछ हार्ड, ये सघन माध्यम है तो ये जैसा हो सकता है ये कांच ऊंच हो, कांच हो सकता है मोटे गट्टा हो, इससे प्रकाश जो गुजरेगा, इससे जो प्रकाश, तो प्रकाश इसमें कांच ऊंच में थोड़ा इसका गति कम होगा, है कि नहीं, वायु के तुलना में गति कम होगा कि नहीं, और यहाँ जैसे बोल रहा है विरल, विरल विरल माध्यम कहने का मतलब जैसे वायु हो गया, गैस हो गया, या निर्वात हो गया, या निर्वात हो गया, तो
कांच के माध्यम से पानी या तो पानी का माध्यम हो जाए, तो पानी और वायु में दोनों में कौन सा सघन है? पानी सघन है और वायु विरल है, तो इसमें गति इसका तेज होगा। पानी यानी पानी में गति धीमी होगी वायु के तुलना में, है कि नहीं? तो जैसे पानी से गति, पानी से प्रकाश निकलेगा, मान लीजिए पानी से प्रकाश निकलेगा और वायु में जाएगा, तो उसका गति बढ़ जाएगा, गति बढ़ जाएगा। प्लस दूसरी बात, जो ये अभिलंब है, जो ये आपका ये वाला अभिलंब रेखा है, इससे ये थोड़ा दूर भागेगा, इससे थोड़ा दूर भागे। हालांकि जैसे मान लीजिए ये इसको अगर यहाँ से आ रहा है तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। आप पता नहीं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं, बताइएगा कमेंट में। और हो सके तो मैं नेक्स्ट, अगर कभी क्वेश्चन आए तो मैं अच्छे से और समझा सकूं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको देखिए सभी चीज मिले कि नहीं, मैथ भी मिल गया, रीजनिंग भी मिल गया, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रश्न भी मिले, बायोलॉजी भी मिले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई अलग अलग वीडियो देखने से बेहतर है कि कोई ऐसा वीडियो देखिए जिससे कि आपको हर एक चीज रिवाइज होते रहे, और वो चीज़ आपको प्रीवियस ईयर पेपर में ही देखने मिलेगा, तो जिससे कि आप सभी चीज़ को मेंटेन करके चल सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि 4/7 से उतना अधिक है जितना कि 5/6 से कम। तो कोई भी नाम x मान लेते हैं, कोई भी x मान लेते हैं, बात समझ रहे? जो 4/7 से उतना अधिक है, यानी इससे ये बड़ा है, 4/7 से बड़ा है, पुनः या जितना 5/6 से कम होगा, यानी इधर एक साइड जो होगा वो 5/6 से कम होगा, 5/6 से कम होगा। अब इन स्थिति में इसको सिर्फ हल कीजिएगा तो आपका भिन्न वो भिन्न निकल जाएगा, वो भिन्न निकल जाएगा। जैसे देखिए इधर x माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस x ये 5/6 इधर, ये इधर माइनस में तो ये इधर प्लस में हो जाएगा, 4/7 है तो आप गुना कर दीजिए 13 को नहीं, तो इधर 2x बराबर हो जाएगा 7/5 35 और 6/24 6/24 और 6/42, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और 24 आपका 59/42 59/42, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, हमने कहाँ गलती कर रहा है। अच्छा यहाँ 2 भी है, यहाँ नीचे में 2 है, तो ये 2 उठ के तो नीचे आएगा कि नहीं, तब ना x बराबर निकलेगा। इधर 2x बराबर जो निकला वो 59/42 निकला, है कि नहीं? तो x बराबर क्या होगा, 59/42 गुना 2, तो ये आपका हो जाएगा 59/84। था क्या इन क्वेश्चन में कुछ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ समझने का फिर है, क्वेश्चन को समझ गए तो बना लेंगे, नहीं समझ पाए तो नाक लगड़ते रहिए, नहीं बनेगा। जैसे रीजनिंग, सब कुछ रीजनिंग थेथर होता है, और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कि नहीं? तो उसी तरह कुछ क्वेश्चन होता है, अगर समझ लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं समझ पाइएगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बनेगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हम थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। तो हमने सोचा कि तेलुगु फिल्म बोल रहा है तो तेलुगु देशम पार्टी मार दो, लेकिन इसका तो ये गलत हो गया, ये आपका जो आंसर मरवा दिया था, प्रजा राज्य राज्यम पार्टी, ये जो अभिनेता चिरंजीवी है
ये प्रजा राज्यम पार्टी से यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, जो कि प्रजा राज्य पाटम राज्यम पार्टी में था और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। नेक्स्ट चाहिए, हवा में ध्वनि की वेग 333 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती थी। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर दूरी डैश द्वारा यात्रा करती है, तो विक्षोभ द्वारा यात्रा करती है। इसमें क्या भरा जाएगा, विक्षोभ द्वारा यात्रा करती है। ओके नेक्स्ट, हम बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जल्दी स्पीड में करते हैं। -4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 19, माइनस दोनों में माइनस है, पुल अंदर वाला, तो माइनस माइनस प्लस, 8 2 16, माइनस 16 बड़ी ब्रैकेट बंद, -4 और 19 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, या माइनस माइनस प्लस, ठीक है 19 में 16 जाएगा तो कितना हो गया आपका 3, और 3 चौके 12, -12 आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा दें। नीचे दी गई ध्यानपूर्वक पढ़िए, चलिए इसको, उससे पहले इसको पढ़िए। दिए गए आंकड़ों पर आधारित शहर सी के सी में साक्षरता प्रतिशत डैश 1 दशमलव तक लिखना है, 1 दशमलव यानी दशमलव के बाद एक वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो सी के बारे में पूछ रहा है, शिक्षितों का प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत मतलब शिक्षित का प्रतिशत निकालना है, ठीक। तो शिक्षित कितना है, 50। ओके शिक्षित कितना है, 50। टोटल कितना है जनसंख्या, 150। 150 में से परसेंटेज में कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना 100, 1 0 1 0 गया, 5 3 15, 100/3, 100/3 कहने का मतलब 33.333। तो एक ही संख्या तक दशमलव तक बोला है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, इसको मिटा दें, अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मुश्किल से 10 मिनट, इतना देर रुक गए तो और 10 मिनट सीखिए। तो इसमें देखिए कौन सा फिल हो सकता है, इसको फिल कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, और इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये वाला फिगर बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ आसानी से, तो ये वाला फिगर सही हो जाएगा इसमें, है कि नहीं, सही है। नेक्स्ट, इस सब क्वेश्चन को तो देखते हैं मारना चाहिए, जैसे देखें कि क्या होगा। सब देखिए सिंबल है, प्रतीक है, लेकिन ए एक अल्फाबेट है, तो इस हिसाब से इसको ए मारिए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए दोस्त, दिन भर रील देखने से बढ़िया है कुछ पढ़ लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इधर उधर करने से बेहतर है कि आप कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ पढ़िए, जरूरी नहीं है कि हमारे वीडियो से ही पढ़िए, लेकिन कुछ तो पढ़िए, चाहे मैथ बनाइए, चाहे आप जीके पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। भले हाँ हुआ माना कि मोबाइल है हाथ में तो बिना चलाए तो नहीं रह सकते, 10 मिनट 5 मिनट चलाइए, लेकिन मोबाइल से सोचिए कि ध्यान जो है थोड़ा मोबाइल पर से हटाएं, क्योंकि देखिए अब ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगा, अब आने वाला है वैकेंसी। अब पंचवर्षीय योजना का जो लास्ट सेशन चल रहा है, ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला दूसरा रिलीज होगा योजना, तो उनमें से ज़रूर वैकेंसी भी एक उनमें से एक योजना में शामिल होगा, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, कथन कर रहा है ट्रेन की किराए में तत्काल प्रभाव के साथ 20% की वृद्धि कर दिया जाए, किराया जो है 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अनुमान लगाया जा रहा है
कि अगर वृद्धि बढ़ा दिया कर दिया जाए किराया में तो क्या होगा। वृद्धि के बावजूद तो लोग अभी भी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करेंगे। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग ट्रेन पे आश्रित रहते हैं। आवागमन के अन्य साधनों से भी उनके किराए में वृद्धि हो सकती है। अन्य साधन का तो पता नहीं, लेकिन ट्रेन से तो लोग यात्रा करना पसंद करेंगे, अभी भी अगर 20% बढ़ भी जाएगा तो, है कि नहीं? तो मेरे अनुसार से सिर्फ एक नंबर होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट। अब लीजिए, यहां से मात्र बचा है 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा? इस टाइप का कल भी क्वेश्चन आया था, कल के भी सेट में हमने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसके लिए एक फार्मूला बनता है त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए, एन इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूले को लगाइएगा, जैसे क्या कहता है त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए टी एन, ठीक है, त्रिकोणीय संख्या को हम टी एन मान लेते हैं। इसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना होता, अगर एन का मान 1 रख दें तो पहला त्रिकोणीय करने का मतलब पहला जो संख्या निकलेगा वो क्या निकलेगा। अगर यहाँ पर 1 पुट किए तो 1 इसमें ऐड होगा तो 2/2 1 बन जाएगा, तो पहला त्रिकोणीय संख्या 1 होगा। अगर यहाँ पर हम 2 पुट किए और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, दूसरा संख्या 3 होगा। कई को बोला है 5 को बोला है, इस तरह से 5 को निकाल लेंगे तो 3 3 रखेंगे तो 1 जुटने के बाद 4/2 तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तीसरी संख्या 6। उसी प्रकार यहाँ पर 4, अगर n का मान 4 रख देंगे, 4 × 1 बढ़ जाएगा 5/2 तो ये चौथी संख्या 5 होगा। इसी तरह से छठी संख्या निकालिएगा 15 होगा, इसको 5 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आ गया 6 × 3 9, कहाँ कहाँ जोड़ते हैं 3 × 1 4 6 4 10 5 15, गलती तो नहीं ना जोड़ दिए, 5 वो है 3 × 1 4 6 4 10 5 15 5 20 15 15 30 हो जाता है, कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए रुकिए, 4 तक तो रखिए लिए, 4 रखने पर क्या आया 10, 4 रखने पर 10 आया था दोस्त, तब ना सोच रहे हैं कहाँ गलती, क्योंकि हमें आंसर पता है कि इसके साथ आंसर आया था। तो अब देखिए 10 10 20 और 15 35/5 तो ये 7, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। इस तरह से निकाल सकते थे इसको। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमने छोड़ दिया, हमने देखा ही नहीं, ये भारी गलती हो गया हमसे, है कि नहीं? लेकिन नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बाधा रहित वस्तुओं की विरामा अवस्था पर रहने की या उसी वेग के साथ चलते रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? भाई क्या कहता है, जब जब कोई वस्तु गति में हो तो वह गति में ही रहना चाहेगा, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, ये गुण किसका? जड़त्व का। किसका है? जड़त्व का। तो बताइए क्वेश्चन गलत तो होने लायक नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए हम अपने आप को कोस रहे थे, आपको नहीं, आप लोग से हो भी सकता था सही। और अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं गलती हमने क्यों किया था। अरे इसको, इस क्वेश्चन को हमने देखा ही नहीं है, यानी गलती से हमसे स्किप हो गया था। देखिए 0 सेकेंड 0 0 टाइम ही नहीं लिया, इसका मतलब हमने देखा ही नहीं इस क्वेश्चन को, नहीं तो बना देते। कहता है दीप्ति ने 175 रुपये में कप का सेट खरीदा, ठीक है, यानी क्रय मूल्य जो है इसका सीपी है 175, और लेकिन बाद में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए इसे
161 रुपये में बेच दिया, यानी ये जो सेलिंग कर दिया 161 रुपये में, तो उसे कितने रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है? अरे तो इतना बहुत ईजी है, तो खरीदा है 175 में, बेचा इतना में, तो हानि कितने का हो रहा है? यहाँ पे आपका ये हानि जो हो रहा है 14 रुपये का हानि हो रहा है, कितने पर? 175 पर, परसेंटेज के लिए गुना 100, तो ये 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में, 7 से ये 2 बार में, तो 4 दूनी 8, तो आपका 8% का नुकसान है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, कथा एक संपीड़ित सिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को डैश में परिवर्तन करेगा। सिलंकी जो इस टाइप वाला होता है सिलंकी, इसको पहले सिलंकी को संपीड़ित, यानी इसको पहले छोटा करके रख दिया है, उसके बाद छोड़ दिया, तो इसमें गति आ जाएगी, यानी स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गति ऊर्जा में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, अभी तक हम आपको नहीं बताएंगे, आखिर हमको आप सर्च करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? या तो आप लिख सकते हैं स्टडी ONS 2.1, या सीधा सीधा लिख सकते हैं मंडल जी। मंडल जी इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसे लिखना, बिना स्पेस का सब कुछ लिखना है, इसलिए कि ये सर्च करने से आ जाता है, लेकिन हालांकि मेरा नाम जो है वो गौतम है, मेरा नाम गौतम है, लेकिन जहाँ पे टेस्ट मारने जाते थे या कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वहाँ पे हमें लोग मंडल जी के नाम से जानते हैं, तो इसलिए शुरू शुरू में जब हमने चैनल बनाया था तो मंडल जी ही टैग में डाला करता था, इसलिए अभी सर्च कीजिएगा तो मंडल जी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या किया है? तीर ऐसे ऐसे खड़ा था, तीर को यहाँ उल्टा दिया, बाकी बाद ऊपर वाले जो ज्यो का त्यो है, तो उसी तरह से यहाँ इसको करते हैं, इसको जैसे का तैसे रहने देते हैं और इसको उल्टा देते हैं, तो एक ही फिगर बनता है यहाँ पर, इसको जैसे का तैसे रहने दिए, इसको उल्टा दिए, तो यहाँ पर रंगा हुआ है तो यहाँ भी कोनों में रंगा हुआ है, ये कोनों में रंगा है तो यही कोनों में रंगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, छियासठ क्वेश्चन हो गया है। जेड्स कहता है मलेशिया में ट्रेन बहुत समय की पाबंद है, मलेशिया में ट्रेनें बहुत समय की पाबंद है, श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? यानी कहने का मतलब समय का पाबंद है, इसका मतलब ट्रेन वहाँ सही समय पर चलता है, अगर 10 बजे आना होगा तो वह 10 बजे आएगा, तो श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? तो ये कथन से पता चलेगा, जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया, ठीक है पहुँच गया, मिला कि नहीं मिला पता नहीं, लेकिन पहुँचा है। ट्रेन का समय सुबह 11 बजे और अगली ट्रेन समय दोपहर 12 बजे है, तो इससे पता चलता हुआ 10 बजे तो पहुंचा, तो उसको कितना प्रतीक्षा करना होगा इन दूसरा वाले से पता चलेगा, पहला वाला तो बताया कहाँ 10 बजे पहुंचा, दूसरा वाले से पता चलेगा कि उसको अब कितना रहना होगा, तो इसका मतलब दोनों से, एक और दो, दोनों से पता चलेगी, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2,
ओके तो हमको चाहिए कोट थीटा का मान। तो हम मान लेते हैं इतना इसको इक्वेशन एक। ठीक, आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं? होता है। तो इसको यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, है कि नहीं? तो इस टर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इतना भाग को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? इतना भाग को इतना लिख सकते हैं बराबर 1। और इतना का मान यहाँ पर 2 दिया है, इतना का मान यहाँ पर 2 दिया है, दिया है कि नहीं? तो 2 गुना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है कि नहीं बराबर 1। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। बात मेरी समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट ये है, ये हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों से हल कर लीजिए। तो क्या है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, और दूसरा इक्वेशन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना आ गया मान? 1/2। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो हमको कोट थीटा चाहिए, तो इसको घटा दीजिए, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। ठीक, तो ये वाला कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cot θ बराबर 2 - 1/2। इसको कीजिएगा हल, 2 cot θ बराबर 2 × 4 में 1 गया 3/2। तो कोट थीटा बराबर के ये 2 गुना में तो इधर भागम आ जाएगा, 3/2 × 2। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा? कोट थीटा बराबर ऊपर देखिएगा 3/4, और 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, या तो इसको और जल्दी आसानी से कर सकते थे। एक टर्म जैसे मान लेते हैं, हम बताते हैं, चलिए और थोड़ा सा टाइम, इतना टाइम लिए तो और थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन तरीका सीख लीजिए। इसको मिटाते हैं। जब देखिए यहां पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया हो, या इधर कुछ भी दिया हो, यहाँ कुछ भी दिया हो, तो करना क्या है? यहाँ पे लिखना है ज्यों का त्यों, कोसेक थीटा यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, इधर कोट थीटा बराबर में ये 2 है ना, इसको उल्टा दीजिए, 1/2 लिख दीजिए। अगर 3 रहता तो 1/3 लिख देते, 4 रहता तो 1/4 लिख देते हैं, उसके बाद हल कर देते हैं। जैसे ये तो कट जाता, तो यहाँ 2 cosec थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है? ये दोनों जुट कर क्या बन जाता है? 2 × 4 = 5/2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 5/2। ओके, तो यहाँ से cosec थीटा बराबर क्या आता है? 5/4 आ जाता है, 5/4 आ जाता है। तो आप इसको कोट थीटा में चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण बटे आधार, है कि नहीं? तो यहाँ से लंब निकाल सकते हैं,
ये 3 4 5 का जैसे ही है, देखिए यहाँ पे आधार 4 कर्ण 5, तो ये 3 आ जाएगा है कि नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है या कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको हम आधार माने तो ये लंब है, तो आधार बटे लंब हो जाता है, यानी 4 कहने का मतलब 3/4 हो जाता है कि नहीं। कोट थीटा बराबर 3/4 लंब बटे कर्ण होता है, तभी तो गलती हो रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, हम भी सोच रहे हैं, बात है कि हमको नींद लग रहा है दोस्त, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मेरा फिसल रहा है। ये कर्ण बटे लंब होगा है कि नहीं, तो लंब मान लीजिए ये 4 है, लंब कितनी है 4 और कर्ण 5 दिया, तो आधार कितनी हो जाएगी 3। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब है कि नहीं। तो आधार आपकी कितनी है, आधार 3 है, लंब कितनी है 4 है, और 3/4 करने का मतलब 0.75। तो इस तरह से ऐसे भी निकाल सकते थे एक नहीं, दोनों तरीक़ा से निकाल सकते थे, जो तरीका अच्छा लगे उसे आप रिसीवर यानी रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग आपका आ गया। देखिए सोल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता है दोस्त, समझाने में टाइम लगता है कि आखिर कैसे किया या कैसे हमने किए, समझाने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है ना, देखते होंगे आप कि बहुत कम समय में बन जाता है। देखिए यहाँ पे सीधा ए बी सी डी पढ़ दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ से के से स्टार्ट होगा, के एल एम एन ओ, क्योंकि यहाँ पे एक गो संख्या, दो गो यहाँ, तीन गो तो यहाँ, चार गो यहाँ, पांच गो होगा, तो यहाँ पे एक ही गो है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर। ओके नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थ में आप चिप्स चिप्स वगैरह का पैकेट देखे होंगे, जैसे कुरकुरे वगैरह का पैकेट देखे होंगे, तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, यानी खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके नेक्स्ट, ये भी ठीक ठाक प्रश्न है, चलिए इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। क्या कहता है, 4:37 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यूनतम दूरी कितनी, न्यूनतम कोण क्या होगी, दूरी बोल रहे हैं, न्यूनतम कोण क्या होगी, यानी इस कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 11 गुना m मतलब मिनट, 11 गुना m/2 माइनस घंटा गुना 30, एच को घंटा समझिएगा, घंटा गुना 30, तो ये 11 m या मिनट कितना है 37/2 माइनस घंटा, घंटा कितना है 4 गुने में 30। ओके इस इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 × 10 × 4/2 माइनस 30 × 120, ये आपका हो जाएगा 103.5 माइनस 120, अरे 203.5 होगा माइनस 220, 120 तो घटाइएगा तो 5 3 8 यानी 83.5, हल करके आ जाएगा 83.5, यानी ये फॉर्मूला लगाकर कोण निकाल सकते हैं, कोई सा भी कोण घड़ी का निकाल सकते हैं। ओके कभी कदाल अगर आंसर नहीं हो तो इसके इसमें थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, जैसे इस तरह फार्मूला लगाने पर भी होगा कि आंसर नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 360 में आप जो भी कोण आएगा यहाँ पे हल करके उसको घटा दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा वो 360 में आप घटा दीजिएगा, वही आपका फिर आंसर, अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो 360 में घटा दीजिएगा, जो भी कोण यहाँ आएगा, जैसे यहाँ 83.5 आया तो उसको घटा दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे न्यूनतम नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ कोण लिखा होगा कि कितनी कोण बनाएगी। ओके
नेक्स्ट, मैं आपका डाउट भी थोड़ा बहुत क्लियर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए अभी जो हमको है कि पढ़ाने में उतना आइडिया नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझ, जानने का तो हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन उतने अच्छे से नहीं कर, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। और अभी बताइएगा हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका किस तरह लगता है आपको और इसमें क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, मैं देखिए जो क्या बोलें, जैसे होता है ना, आप देखते होंगे कि कितने लोग रब वीडियो बनाते हैं, उसके चैनल देखिएगा कितनी जल्दी ग्रो कर जाता है। हम ना तो कोई रब बनाते हैं ना कोई गलत वीडियो बनाते हैं, और हम एक एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जिससे किसी की भला हो सके या पढ़कर यानी कुछ सीख सके, कुछ अच्छे ज्ञान को एडॉप्ट कर सके। तो हमारे चैनल में इम्प्रूव उतनी नहीं हो रही है, तो आदमी गलत की ओर जा रहे हैं, तो उन सबको थोड़ा सा त्यागिए और यहाँ पर थोड़ा पढ़ने उड़ने पर ध्यान दीजिए अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं तो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना, फिर वही बात यहाँ पर आ गया है जो एक कुछ देर पहले था क्वेश्चन, तो उनमें से एक संख्या इतना है, तो एक संख्या को मान लीजिए एक और दूसरी संख्या 1.6, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 0.432। तो यहाँ पे उसी तरह से हल कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे वहाँ पर आया था 4.8, तो यहाँ पर 4.8 नहीं आया था, 0.48 आया था, यहाँ पर 0.27 आएगा। हालांकि हल करके देख लीजिए 0.432 / 1.6, तो उसी तरह सेम टू सेम आप कीजिए, ऊपर एक को जीरो जाएगा नीचे 3 को 0 आएगा हटाने पर, है कि नहीं, तो एक जीरो कट गया, तो इसको 16 से कटाइएगा तो 27 बार में कट जाएगा, नीचे में का जीरो, एक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए यानी 0.27, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0.27। अगर इस तरह के एग्जाम में पूछ देता हूँ ना एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन, मैंने पूछता नहीं ना एग्जाम, और बड़ा होशियार है। नेक्स्ट देखिए, एक लॉन रोडर एक घंटे में 20 चक्कर लगाता है, वह 25 मिनट में कितने रेडियन घूमेगा, यानी 60 मिनट में 20 चक्कर, यानी 60 मिनट में 20 चक्कर, तो एक मिनट में कितने चक्कर होगा, 20/3 यानी 20/60, तो 25 मिनट में कितने चक्कर होगा, 20/60 × 25 यानी इतने चक्कर है कि नहीं, तो 20 + 60 यानी ये क्या हो जाएगा 25/3, 25 मिनट में कितने चक्कर हो जाएगा 25/3, 25/3 चक्कर होगा, होगा कि नहीं, होगा। तो कहता है कितने रेडियन चलेगा, यानी एक चक्कर में 2π रेडियन चलेगी, 2π रेडियन चलेगी, ये याद रखिएगा, एक चक्कर में 2π रेडियन चलेगी, तो इतने चक्कर में कितने रेडियन चलेगी, तो 2π से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 50/3π, 50/3π हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि धारा बढ़ती है तो विभवांतर भी स्थिर रहता है, तो 10 इनमें से क्या होगा, ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है आई आर होता है ना, तो हमको धारा और
प्रतिरोध के बीच अगर हम निकालना चाहें तो I बराबर क्या होगा, V बटे R, ठीक है। तो इसको स्थिर रखना है, चेंज इन दोनों में कुछ करना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि धारा को बढ़ा देते हैं, इसको दुगुना कर देते हैं, तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगी, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, तभी तो ये बढ़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब यहाँ समझिएगा, I बराबर हम भी बटे R लिखते हैं, भी का मान कुछ भी रहे, भी का मान हम मान लेते, एज्यूम कर लेते हैं, भी का मान हम मान लेते हैं 20 है, भी का मान 20 है, और R का मान हम मान लेते हैं 2 है, R का मान 2 है, 2 में। तो I का मान देखिएगा क्या क्या होगा, पहले V का मान हमने 20 माना, तो R का मान 2 आया, तो 10 एम्पियर आया, है कि नहीं। अगर फिर हम R के मान को बढ़ा रहे हैं, R के मान को बढ़ा देते हैं, तो 20 R के मान को अब हम 4 कर देते हैं, तो धारा क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। R के मान को, V को हम स्थिर रखेंगे, V को हम स्थिर रखेंगे, R के मान को अब 8 कर देते हैं, तो धारा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो जब हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ रहा है, धारा घट रहा है, प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, धारा घट रहा है। तो धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध को घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के जगह पे हम 1 कर दिए तो धारा का मान क्या होगा, 20 हो गया। तो यहाँ कहता है धारा जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा नहीं, बढ़ता घटता जा रहा है, विभवांतर कम होगा नहीं, विभवांतर को तो स्थिर रखना है तो कम क्यों होगा, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये आपका प्रतिरोध कम हो जाता है, ये है। तो ये आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि देखे होंगे कि ये 2022 वाला जो ग्रुप डी था उसमें भर भर के पूछा था इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, वहीं से हमको ये कॉन्सेप्ट सब, क्योंकि जब ग्रुप डी का एग्जाम था और NTPC का जब मेरा एग्जाम था तो मैंने NCERT का फिजिक्स वगैरह और बायोलॉजी वगैरह सारा का सारा पढ़ा था, तो इसलिए वहाँ से हमें कॉन्सेप्ट याद हो गया, और प्लस में हम नोट्स भी बनाए थे कुछ पॉइंट का, और आप भी क्या कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। नेक्स्ट, परीक्षा दीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी, तो मैच खेलिएगा तो आपको जीत या हार मिलेगा, हार ऑप्शन तो है नहीं, तो जीत वाला है, तो आप जीत कर दीजिए, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या करें, रासायनिक गुणों के बीच मेंडेलीव डैच तत्वों के साथ तत्वों को गठित यौगिक पर केंद्रित था, तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर केंद्रित था, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो तत्व को गठित किया गया था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर केंद्र मानकर उसे बना रहा था, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका 75 क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन, और इसमें क्या इम्प्रूव करने चाहिए, या तो आपको किसी भी क्वेश्चन का पार्टिकुलर अलग से वीडियो चाहिए, अलग से अगर जाननी हो कि हाँ इसके लिए अलग से आप वीडियो बना दीजिए, क्योंकि वो तरीका हो सकता है कुछ खास हो जो आपका नहीं पता हो, या तो आपको लगे कि नहीं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं या भेज सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को बहुत जल्दी हम व्हाट्सएप नंबर भी दे दें ताकि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएँ, और व्हाट्सएप पर क्वेश्चन वगैरह सब शेयर वेयर होते रहे, जो हम लोग अपने में सॉल्व करेंगे, या तो हो सकता है हमें नहीं आए, हो सकता है आपको नहीं आए, तो दोनों का आदान प्रदान होते रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप नंबर ऊपर किया जाए और उसको दिया जाए, क्योंकि सभी नंबर को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं।
उसके लिए अलग नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोग को लिंक में दूँ। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह डे फोर था, अब जो आएगा वीडियो डे फाइव का आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। टोटल हम जो आपको 30 दिन देंगे, 30 डे तक चलेगा, यानी कहने का मतलब 30 पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, 30 पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिएगा, हालांकि हम ये नहीं करेंगे आप 30 पेपर तक मेरे साथ रुकिए, आप पहले 10 पेपर तक मेरे 10 पेपर जो है ना, 10 पेपर जो सॉल्व करवाएंगे वहाँ तक आप रुक कर देखिए। देखिए आपको फिर बेनिफिट नहीं मिला ना, तब फिर आप हमें कहिएगा कि नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा। आप इतने दिन अदर जगह ट्राई किया ना, बहुत जगह तरह तरह के देखे होंगे वीडियो फलना निकलना, एक बार हमारे साथ आप जुड़ कर देखिए, फिर देखिएगा कि क्या आपके तैयारी में इम्प्रूव हुआ कि नहीं। तो बस कुछ नहीं दोस्त, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब हमें नींद आ रही है और मैं जा रहा हूँ अब सोने। गुड नाइट दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।